हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एएम के संगीत में, जहाँ पर आपको मिलते हैं पियानो एंड हारमोनियम से रिलेटेड वीडियोज। तो दोस्तों, अगर आप भी बार बार प्रैक्टिस करके थक चुके हैं लेकिन अभी तक पियानो या हारमोनियम आपसे प्ले करना नहीं आया है, आप सीख नहीं पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सिर्फ आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, शुरू से लेके एंड तक कहीं भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपके समझ में अच्छे से नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका आपको सिर्फ 5 दिन अभ्यास करना है, उसके बाद अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे आप कि हाँ, हम पियानो बजाना सीखना स्टार्ट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। 100% गारंटी देता हूँ आप हारमोनियम बजाना इजीली सीख जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हारमोनियम या पियानो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको 3 सप्तक की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, 3 सप्तक की पूरी जानकारी मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। उसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आई बटन में भी दे दूंगा, तो इजीली आप वहां से जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 दिन का ऐसा प्रैक्टिस बताने वाला हूं, सिर्फ वो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी वाले निशान को दबाकर ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जानना है कि किसी भी पियानो या हारमोनियम में 3 सप्तक की जानकारी आपको लेनी है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा मध्य सप्तक है, बीच वाला इसको हम बोलते हैं, और इससे पहले यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स जो सप्तक होता है उसको मंद्र सप्तक बोलते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक जो होता है वो हमारा तार सप्तक होता है। तो ये जानकारी फ्रेंड्स मैं एक बार आपको फिर दोबारा से बता दिया है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो इतना जानने के बाद फ्रेंड्स, हम बीच वाले मध्य सप्तक से ही प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमको करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, मध्य सप्तक का पहली काली ये हमारा सी शार्प नोट होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको सरगम प्ले करना है, देख लीजिए किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है, प्रैक्टिस इसमें मेन चीज़ है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है जो हमारे सरगम के अंदर 7 स्वर शुद्ध होते हैं, सारे गामा पाधा नी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी। तो दोस्तों, ये सरगम के अंदर 7 शुद्ध स्वर हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 7 स्वर का प्रैक्टिस आपको करना है, किस तरीके से देख लीजिए, एक बार आपको आसान तरीके से बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, चलिए फ्रेंड्स बहुत आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आपको फ्रेंड्स सारे गामा पाधा नी सा ये वाले स्वर आपको प्रैक्टिस करने हैं इस पहली काली से, सी शार्प से। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, बता देता हूँ आपको किस तरीके से बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको प्ले करना है फ्रेंड्स, सारे गामा पाधा नी सा, इस तरह से आपको प्ले करना है, और यहाँ से फिर आपको बैक में जाना है फ्रेंड्स, यानी रिटर्न होना है उसी जगह पर। तो सा नी धा पा मा गा रे सा, इतना आपको प्रैक्टिस करना है। इसको धीरे धीरे से एक उंगली से भी बता दूंगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको सभी उंगलियों का मूवमेंट ऐड करना है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो सभी उंगलियों का मूवमेंट किस तरह से ऐड करेंगे फ्रेंड्स, वो देख लीजिए। सबसे पहले इस पर पहली काली पर सी शार्प नोट बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, इस पर ये वाली उंगली आपको रखनी है। उसके बाद सा, ये हमारा सा हो गया सा, उसके बाद रे, इस पर ये उंगली रखनी है। उसके बाद गा, उस पर ये अंगूठा रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे वाली वाइट जितनी भी कीज हैं उन पर अंगूठे का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, सा रे
गा, उसके बाद ये तीन स्वर आ गए हमारे, तो तीनों के लिए ये तीनों उंगलियां पहले से आपको तैयार रखनी है। तो सा रे गा मा पा धा, उसके बाद नी के लिए फिर अंगूठा यहाँ पर आएगा नी, फिर वापस से वही हमारा सा, ये वाला सा हमारा, और यहाँ पर लास्ट में हाई ऑक्टेव का सा, ये आपको यूज़ करना है फ्रेंड्स। तो इसको यूज़ करने के बाद अब हमको दोबारा से प्रैक्टिस करना है, इन्हीं नोट्स को हमको बैक में लेके आना है फ्रेंड्स। जी हाँ, तो बैक में किस तरह से लाएंगे फ्रेंड्स, सा नी, इस पर अंगूठा आ जाएगा फ्रेंड्स, धा पा मा गा रे सा। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा से बता दिया है क्योंकि आप जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना ही समझ में अच्छे से आएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको दूसरी एक प्रैक्टिस और बताऊँगा इसी सरगम के अंदर, वो भी आपको करनी है, तभी आपका प्रैक्टिस अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, एक उंगली से आपको एक बार यही प्रैक्टिस मैंने जो बताया अभी उसको एक उंगली से बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करनी है आपको वो भी बताऊँगा। चलिए दोस्तों एक उंगली से देख लीजिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके बाद आपको बैक जाना है फ्रेंड्स इन्हीं नोट्स पर, सा नी दा पा मा गा रे सा। जी हाँ दोस्तों, इतना प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस आप जब मध्य सप्तक में कर लेंगे तो आप तीनों सप्तक में इस प्रैक्टिस को प्ले कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया किस तरीके से, आप वो वीडियो देख लेना फ्रेंड्स। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस बताता हूँ आगे की। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, इतना प्रैक्टिस आपको करना है। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद में आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस जो करनी है वो किस तरह से, वो भी देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी आप अच्छे से सीख पाएंगे और आपका जो उंगलियों का मूवमेंट है वो ऐड हो पाएगा। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको इस तरह से करना है, ये हमारा फर्स्ट जो नोट मैंने आपको सी शार्प पहली काली से बताया था, सा रे इस तरह से। तो ये तो एक एक बार आपको नोट ऐड करना था, लेकिन इसमें आपको डबल बार नोट को ऐड करना है फ्रेंड्स। किस तरह से देख लीजिए, डबल नोट ऐसे ऐड करना है, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। इतना ही फ्रेंड्स आपको बैक में लेके जाना है इसी तरीके से। तो बैक में भी आप किस तरह से लेके जाएंगे फ्रेंड्स, वो भी देख लीजिए, बैक में आपको क्या करना है, सा सा नी नी धा धा पापा मामा गागा रे रे सा सा, यानी एक एक नोट पर आपको डबल बार टच करना है। तो ये आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स। जब आप इसको धीरे धीरे करेंगे, फिर आप जल्दी में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर लगेगा दोस्तों। तो एक बार धीरे धीरे से आपको बता देता हूँ, फिर जल्दी में आपको बताऊँगा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ईजीली आ जाएगा फ्रेंड्स। देख लीजिए, इतना आपको फ्रेंड्स करना है। ये बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आपको बताया है, जब आप मध्य सप्तक में ये प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तो आप तीनों सप्तक में इसको प्ले कर सकते हैं, और बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये प्रैक्टिस करने में। तो फ्रेंड्स तीनों सप्तक में आप किस तरह से प्ले करेंगे वो भी एक बार आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। फर्स्ट जो हमारा मंद्र सप्तक होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, देख लीजिए किस तरह से। दोबारा से नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट, इस तरह से फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करने के बाद इसी तरह से आपको बैक में भी जाना है फ्रेंड्स, देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस आपको 5 दिन लगातार करना है। जो दोनों प्रैक्टिस मैंने आपको समझाया, ये प्रैक्टिस आपको 5 दिन लगातार करना है, 100% गारंटी देता हूँ आप पियानो या हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे।
लेकिन दोस्तों आगे की आने वाली वीडियो में बहुत सारी प्रैक्टिस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी उंगलियों का जो मूवमेंट है वो खुल जाए पियानो पर और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी उंगलियां पियानो पर चलने लगें। तो फ्रेंड्स, सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही चाहिए फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।